हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम पेडल इक्वेशन करेंगे जो कि इसका पार्ट फर्स्ट है। देखिए, पेडल इक्वेशन को देखने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने रेडियाई वेक्टर और टेंजेंट का जो इसके पहले क्वेश्चन मैंने वीडियो कवर किया है, सेशन कवर किया है, इसको जरूर से जरूर वॉच करें, क्योंकि जो मैंने टेंजेंट और रेडियाई वेक्टर वाले क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई थी, उसके जो टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, उसके बहुत सारे डेरिवेशन के जो डायरेक्टली रिजल्ट हैं, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से पॉइंट एक्स और वाई के से मैं जो ड्रॉ करता था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड आउट करते थे, और कहीं कहीं आप आर फाइंड आउट करते थे जो कि रेडियाई वेक्टर होता था। कुछ ऐसा हिसाब किताब होता था कि आप एक कोई कर्व होता था, तो इस कर्व से आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। फिर इसके बाद रेडियाई वेक्टर हो गया, ये आपका पॉइंट एक्स कॉमा वाई, कुछ ऐसा ही था। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें आपने फाइंड आउट किया था। तो ये वीडियो देखने से पहले आप ये रेडियाई वेक्टर एंड टेंजेंट वाला वीडियो सेशन जरूर देखें, जरूर से जरूर देखें। रीजन क्या है कि विदाउट नोइंग दीज थिंग्स आप पेडल इक्वेशन के क्वेश्चन को बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि विदाउट आप देखे आप इसके क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज करूंगा। रीजन क्योंकि मैं हर सारे सेशन में पीछे के जो डेरिवेशन है उसको मैं प्रूफ हर बार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सो टाइम टेकिंग। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पेडल इक्वेशन हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअल में। देखिए, पेडल इक्वेशन की अगर बात करूँ तो सिंपल, अगर एक लाइन में मैं बात करूँ तो पेडल इक्वेशन एक रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर। एंड पी एंड आर क्या है? पी इज परपेंडिकुलर, P is used for perpendicular, R is used for radii vector. For any given curve called या फिर is known as pedal equation. ठीक है, तो कुछ आपको एक सर्टेन कर्व गिवन रहेगा क्वेश्चन में, एक सर्टेन कर्व गिवन रहेगा, आपको उसमें P और R के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करके एक इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो इक्वेशन प्राप्त होगा, जो मिलेगा, दैट इज पेडल इक्वेशन। आप चाहे तो इसको अलग लैंग्वेज में भी कह सकते हो, द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस आर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन कर्व फ्रॉम द ओरिजिन। ये मैं जो एक्चुअल में बता रहा हूँ, मैं ड्रॉ करके थोड़ा सा इसको एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा। देखो, आप एक्स और वाई एक्सेस दो थे, ठीक है, मैंने कह दिया एक रेडियाई वेक्टर फ्रॉम, ये आपका ओरिजिन होता है 0.0, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको। और ये मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने एक कर्व ड्रॉ किया जिसको आप एफ इक्व टू आर थीटा आप कहते थे, इसके पहले के लेक्चर में मैंने इसको कवर किया था। क्या करोगे आप इसमें? अब मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा जो कि इसको टच करता है, दिख होना चाहिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा, टच कर रहा है, बट वास्तव में टच कर रहा है। टच करते हुए अगर जाएगा तो आप यहाँ पे थीटा लेते थे, उसके बाद क्या होता था, ये आपका रेडियाई वेक्टर होता था, और यहाँ पे आप पी कोई पॉइंट लेते थे, यहाँ पे कोई एक पॉइंट आप एक्स कॉमा वाई लेते थे, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक बार वॉच करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं आपको केवल थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, ठीक है, वाई एक्सिस। अब देखिए, अगर पेडल इक्वेशन की बात करोगे, जो आप पी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो आर है, इन दोनों का जो रिलेशन आप निकालोगे, कोई भी गिवन कर्व, एक कर्व की जो वैल्यू एफ इक्वल टू आर थीटा है, किसी फॉर्म में भी हो सकता है, सिंपल हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो बहुत तरीके से वैल्यू डिपेंड करेगी इस वाले कर्व पे। तो इस कर्व को P और R के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, R क्या है? रेडियाई वेक्टर है। ये कैसे फाइंड आउट करना होता है, थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये एक्चुअल में पेडल इक्वेशन का मतलब हुआ। अब आते हैं कुछ चीजें और देखते हैं जो कि पेडल इक्वेशन के दौरान हम करेंगे। और देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पेडल इक्वेशन जो किसी कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में गिवन हो, तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको हेडिंग, आप हेडिंग कर लो, टू फाइंड दी पेडल इक्वेशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पेडल इक्वेशन फ्रॉम दी कार्टेशियन फॉर्म, फ्रॉम दी
कार्टेशियन। तो इसमें मैं चीजें कुछ आपको डायरेक्टली इसमें लूंगा, क्योंकि मैं कुछ चीजें पीछे वाले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आप किसी पॉइंट पे, जो पॉइंट मान लो एक्स वाई गिवन है, ठीक है, मान लो अगर टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई पॉइंट गिवन है आपको, ये कुछ भी पॉइंट हो सकता है, डिपेंड ऑन यू, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप कैसा क्वेश्चन को आप हैंडल कर रहे हो। तो आपको मालूम है किसी भी लाइन के लिए क्वेश्चन जो लिखते हो, आपको पॉइंट आपको एक्स कॉमा वाई गिवन हो, तो ये क्या होता था, वाई माइनस वाई वन, वाई वन का मतलब स्मॉल वाला वाई जो आप यहाँ पे लिखे हो, ठीक है, इक्वस टू डिवाइड बाई डिवस करते थे आप, इक्वस टू ऐसे तो लिखते थे आप, डी वाई ओवर डी एक्स जो कि टेंजेंट को आपको शो करता था, स्लोप को शो करता था, इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड किया जाए तो वाई माइनस स्मॉल वाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या, जीरो। ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि जो लेंथ परपेंडिकुलर जो लाइन होती थी फ्रॉम द ओरिजिन होती थी, ठीक है, ओरिजिन का मतलब हो गया आपको इस पॉइंट से, जस्ट मिनट, आपके ओरिजिन वाली पॉइंट क्या है, यहाँ पे है, देखो ओरिजिन वाली पॉइंट है, ये आपकी ओरिजिन शो कर रही है ना, तो यहां से ली जाती थी, और ये आपका एक पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई, यहां से लिखे करोगे आप। जब इसको आप, हमें मालूम है इफ द लेंथ, इफ दी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट, जो कर्व की बात कर रहे हैं, फ्रॉम दी दी ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन का मतलब एक्स इक्वल टू भी जीरो आप लोगे, वाई इक्वल टू भी क्या लोगे, जीरो लोगे आप, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर में प्राप्त होता है इस पी, अगर हमने कह दिया परपेंडिकुलर इस पी, तो पी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, पी की वैल्यू के लिए मैंने आपको एक डेरिवेशन किया था जो कि आपने पीछे वाले वीडियो में कवर किया होगा, तो आपको पता होगा। तो एक्स टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर इन अंडर रूट वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज होती थी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब हम R की बात करते हैं, क्योंकि हमें दोनों में रिलेशन मेंटेन करना होता है। देखो आपको पता होगा जो R होता है रेडियाई वेक्टर, अगर आपको x कॉमा वाई होता था, ये x होता था, ये y एक्सिस होती थी, तो ये आपका R होता था फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये चीज हमने फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया था कि अगर आर स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाए, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर लिखा जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज आपको पता है। मैं आपको यहाँ ओवर व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको चीजें जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर की हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, और जिससे क्वेश्चन करना आसान हो जाए। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर टू ले लिया। अब देखो हमें इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, अगर हमें इक्वेशन जो गिवन कर्व है नोन हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन, इफ इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज नोन, अगर नोन हो जस्ट, देन क्या हो जाएगा, हम मानते थे क्या, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू जीरो, फिर उसके बाद क्या करते थे, दोनों को कंबाइंड करते थे। कंबाइंड करने के बाद जो एक्स और वाई के फॉर्म में, जो आप पी और आर को कंबाइंड करोगे, आप इन दोनों कॉम्बिनेशन से जो एक फॉर्म बनेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बनेगा, अलग अलग क्वेश्चन के लिए, अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको बोलोगे पैरेलल इक्वेशन। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल इक्वेशन, तो ये पैरेलल इक्वेशन हो गया। या फिर इसमें एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, आपने प्रीवियस वाले वीडियो में, टू अगर मैं कह दूं, अगर पोलर फॉर्म से, तो कार्टेशियन फॉर्म से था, अगर मैंने कहा कि अगर यही चीज, अगर पोलर इक्वेशन, अगर हमने कहा पैरेलल इक्वेशन फाइंड आउट करो फ्रॉम पोलर फॉर्म में, इसके हेडिंग एक्चुअल में है फाइंड आउट द पैरेलल इक्वेशन फ्रॉम द पोलर इक्वेशन, अगर आपको पोलर इक्वेशन गिवेन हो उससे आपको पैरेलल इक्वेशन फाइंड आउट करना, तो कैसे करोगे, इसके लिए आसान सा है, आप सपोज कर लेते हो जो जो गिवेन कर होता था, ठीक है, पीछे वाली चीजों को एज्यूम करते हुए करते हैं, हम इसमें क्या मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम कर लेते थे, लेट अस एज्यूम द इक्वेशन टू द कर्व, द इक्वेशन टू द कर्व, आपको मालूम है जो पोलर इक्वेशन होता है उसमें हम आर और थीटा के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है,
तो आर क्या है, थीटा क्या है, आपको पता है। तो एफ ऑफ आर कॉमा थीटा, ये पोलर फॉर्म होता है, कुछ जीरो ले लेते हैं। आल्सो बाई प्रीवियस आर्टिकल, अगर आल्सो बाई प्रीवियस सेशन या आर्टिकल लिख लो, कर लो आप आर्टिकल, वी हैव 1/p² इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/dθ, वन कर लेते हैं। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में एक सी रेशा क्या है, इसमें r आपको दिख रहा है, इसमें p दिख रहा है, इसमें भी r दिख रहा है, इसमें भी थीटा दिख रहा है। तो आपको अगर आपने थीटा को एलिमिनेट कर दिया दोनों क्वेश्चन से, थीटा को अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसको आप बोलोगे पैडल इक्वेशन, समझ आ रहा है। क्योंकि आर और पी बचेंगे तो आर और पी में आप एक रिलेशन निकाल सकते हो, दैट इज पैडल इक्वेशन फॉर दैट कर्व। ये बात समझ आ गया। आप चाहें तो कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, आप अगर डायरेक्टली मेथड यूज करना चाहें कोई और दूसरा मेथड की तरह, तो आप क्या करोगे, जो गिवन कर्व रहता है, ठीक है, जो गिवन कर्व रहेगा कंडीशंस का यूज करके आपको थीटा या फाई, थीटा फाई एक्चुअल में क्या होता है मैं डिस्कस करता हूँ। थीटा फाई को क्या करोगे, जो गिवन कर्व रहेगा उससे क्या करोगे आप एलिमिनेट कर दोगे। एलिमिनेट करने के बाद एलिमिनेट कर देंगे तो एक्चुअली हमें मालूम होता है पी कोष्ट क्या होता है, पी कोष्ट होता है आर साइन फाई, ये सारी चीजें प्रूफ हुई हैं पहले। और टेन फाई कोष्ट क्या होता है, टेन फाई कोष्ट होता है आर डी थीटा ओवर डी आर, ये चीजें हमें पता है। इस चीजें के बेस को बनाते हुए हम आर और थीटा या फिर थीटा और फाई को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, जिससे हमें जो चीजें बचेंगी वो बोलोगे आप डेट इज पैरेलल इक्वेशन, या फिर बोल सकते हो जो रिलेशन बिटवीन पी एंड आर जो वहां पे मिलेगा हमें, उसको आप एक नया वर्ड यूज करोगे डेट इज पैरेलल इक्वेशन फॉर डेट कर्व, ठीक है। तो ये करने का तरीका है, ये बहुत ज्यादा आसान है, पर लिटिल बिट प्रैक्टिस से आप सारी चीजों को कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतने ही करते हैं, आगे के वीडियोज में जो पैरेलल इक्वेशन के कुछ गिवन कर्व के क्वेश्चंस रहेंगे हम वो प्रैक्टिस करेंगे करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड भी क्वेश्चन रहते हैं। तो आगे के वीडियो के लिए इस कॉन्सेप्ट को जरूर से देखें, जिससे आगे के वीडियोस के जो क्वेश्चंस में एग्जाम ओरिएंटेड या फिर जो पैरेलल इक्वेशन के क्वेश्चंस रहते हैं आपको वो समझ में आ सके अच्छे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।